हाँ दोस्तों, आई मैं जो किसान डिफेंस एकेडमी, किसान डिफेंस एकेडमी, डिफेंस एकेडमी एकेडमी 2.0 से भारत की जो है पहली ऐसी ट्रेन कौन थी, तो जो है कि बहुत पहली जो है भारत की जो है ऐसी ट्रेन हम आपको बता रहे हैं कौन थी। सबसे तो जो है पहले जो है पंजाब एक्सप्रेस की नाम थी, पंजाब एक्सप्रेस, पंजाब एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक ट्रेन थी जो करीब 1928 में करीब चलाया गया था। 1928 में एक पंजाब एक्सप्रेस चलाई गई थी जिसका नाम जो है बदल कर जो है फ्रंटियर मेल रख दिया गया था। फ्रंटियर मेल, फ्रंटियर मेल, फ्रंटियर मेल, फ्रंटियर मेल, जिसमें जो है 6 बोगियां होती थी। इसमें अजीब बात है, इसका जो है पंजाब एक्सप्रेस का नाम चेंज कर जो है चेंज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? फ्रंटियर मेल, फ्रंटियर मेल बता दें, या फ्रंटियर मेल, फ्रंटियर मेल, इसका नाम जो है क्या रख दिया गया था? फ्रंटियर मेल। फ्रंटियर मेल की एक खासियत थी कि 6 इसकी बोगियां होती थी। बोगियों की संख्या कितनी होती थी? 6 बोगी होती थी। और जो है कि करीब जो है इसमें इसमें जो है कि 450 की करीब जो है 455 450 जो है करीब जो है इसमें जो है यात्रियां जो है यात्री जो है यात्रा कर सकते थे। इसी ट्रेन में जो है इस फ्रंटियर ही ट्रेन में जो है गांधी जी और जो है सुभाष चंद्र बोस में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसी ट्रेन में जो है क्या किए थे? यात्रा किए थे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी दोनों जो है ये लोग जो है कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानी बहुत से लोग जो है कि यात्रा किए थे, लेकिन इसी ट्रेन में जो है सुभाष चंद्र बोस और जो है गांधी जी ने भी यात्रा इसी ट्रेन में किए थे। आपको हम बता दें इस ट्रेन को जो है कि चलाया जाता था, इसको जो है पंजाब से जो है पेशावर और जो है कि अब जो है कि पाकिस्तान में हो गया है, पहले पेशावर तक जाती थी। 1936 में जो है इसका नाम चेंज रख 1928 में जो है कौन थी? ये पंजाब एक्सप्रेस में थी। और जो है 1936 में जो है इसका फ्रंटियर मेल क्या रख दिया गया था? फ्रंटियर मेल या फिर पंजाब और फ्रंटियर मेल, इसको जो है उन्होंने पंजाब एक्सप्रेस का नाम रख कर जो है क्या कर दिया गया था? फ्रंटियर मेल। और जो है एक अब जो है जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ तो अब जो है इसको जो है भारत जब स्वतंत्र हो गया तो इसका जो है अब जो है इसी फ्रंटियर मेल को जो है अब नाम चेंज कर गया, चेंज कर दिया जाए गोल्डन टेम्पल के नाम से रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया इसका आधुनिक नाम? गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल मेल, गोल्डन टेम्पल मेल रख दिया गया था, जो पंजाब से चलकर जो है मुंबई को जाती है। पंजाब से चलकर कहाँ जाती है? अमृतसर, अमृतसर से मुंबई तक जाती है, मुंबई टर्मिनल तक जाती है। ठीक है, तो हम इसको बताते रहे कि इसमें एसी जो है पहले जो है आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी जो है ये सब एसी का आविष्कार नहीं किया गया था, लेकिन जो है इस जो है ट्रेन में जो है एसी कैसे जो है कि लगा दी थी, बड़ी मज़ेदार की बात है। एसी कैसे लगाया जाता था इसमें, तो हम बताते हैं एसी जो है आपको कि कैसे लगाया जाता था। इसको जो है कि इसकी जो है कि नीचे जो है साइड में जो है ट्रेन जैसे होती है ना ट्रेन मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, तो नीचे जो है वाले भाग में जो है बॉक्स बनाया जाता था और उस बॉक्स में जो है बर्फ को पिघल जो है डाला जाता था और जो है और ऊपर भी लगा ऊपर जो है भी बॉक्स बना दिया जाता था और ऊपर जो है बॉक्स भी बनाया था उसमें भी बर्फ डाल दिया जाता था और बर्फ डालकर जो है और उसमें जो है पंखा चला दिया जाता था और जैसे जो है हाँ आप पंखा चला देते थे उसीलिए जो क्या होती थी जो है ठंडा होता था पूरा, इसलिए जो है एसी का जो है उस समय जो है उस एसी पहली जो है भारतीय जो है एसी वाली ट्रेन कहा गया। और उसका जो है इस बर्फ जो है कुछ देर के बाद जो है पिघल जाती थी, लेकिन जो है अलग अलग स्टेशनों पर जो है इसका जो है जहाँ रुकावट होती थी वहाँ पर जो है रुकती थी जो है गाड़ी ट्रेन जो है तो उसको जो है कि बर्फ जो है निकाल कर जो है फिर से जो है चेंज डाल दिया जाता था इसमें जो है।
और मतदार की बात है कि कभी जो है लेट नहीं होती थी। एक बार जो है लेट हुई तो जो है कि इसको जो है लोग पायलट के द्वारा जो है पूछताछ करने के लिए जो है कि बुला दिया गया था जो है। तो तब तक के लिए जो है कि जय दोस्तों।